हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोमातियारा। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स जिससे आपको हेल्प मिलेगी यंगर दिखने में। जी हाँ, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे फैशन करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे स्टाइल करते हैं जिसके कारण हम ज़्यादा एज के दिखते हैं, हमारी फेस ज़्यादा मैच्योर्ड नज़र आती है। तो आज के वीडियो में मैं 10 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी यंगर दिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट टिप इज, आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट साइड में लो पोनी किया है एंड राइट साइड में मैंने किया है हाई पोनी। तो जब भी हम हाई पोनी करते हैं तो हमारी फेस ज़्यादा अच्छी दिखती है एंड एक यंगर लुक हमें मिलता है। अगर आप इस तरह की लो पोनी करते हो तो इंस्टेंटली आप देखोगे आपकी फेस ज़्यादा मैच्योर दिख रही है एंड आप ज़्यादा एज के दिख रहे हो। तो अगर आपको यंगर लुक चाहिए तो आपको हाई पोनी करनी चाहिए बजाय कि लो पोनी के। लो पोनी में हम अच्छे भी नहीं दिखते हैं और ज़्यादा एज के भी दिखते हैं। नेक्स्ट टिप इज़, अगर आपको बिंदी लगाना अच्छा लगता है और आप बिंदी लगाते हो तो ये चीज़ अब नोटिस करना, जब भी आप जो बड़ी बिंदी होती है वो लगाते हैं तो हमारी फेस ज़्यादा ब्रॉड दिखती है एंड हम ज़्यादा एज के दिखते हैं। एंड छोटी बिंदी में क्या होता है, हमारी फेस ज़्यादा यंगर दिखती है। तो अगर आपको बिंदी लगाना अच्छा लगता है तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको यंगर लुक चाहिए तो आपको स्मॉल बिंदी अप्लाई करना चाहिए, इससे आप यंगर दिखोगे एंड अच्छे भी दिखोगे। नेक्स्ट टिप इज़, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मैंने मिडिल पार्टीशन किया है बालों में और राइट साइड में मैंने साइड पार्टीशन किया है। तो जब भी हम साइड पार्टीशन करते हैं बालों में, चाहे बालों को आप बांधे रखें या फिर खुला रखें, जब भी आप साइड पार्टीशन करते हैं बालों में तो इंस्टेंटली एक यंगर लुक हमें मिलता है। उसी जगह पे अगर आप मिडिल पार्टीशन करते हो और कुछ फ्लैट रखते हो बालों को तो एक हमारा जो चेहरा है वो ज़्यादा मैच्योर भी दिखता है एंड इसी कारण से हम ज़्यादा एज के दिखते हैं। तो बजाय कि मिडिल पार्टीशन के आप साइड पार्टीशन करके देखिए, आप यंगर लुक आपको मिलेगा। नेक्स्ट टिप इज़, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मैंने एक राउंड नेक की कुर्ती पहनी है एंड राइट साइड में मैंने एक क्लोज्ड नेक की कुर्ती पहनी है। यहाँ पे ये बटन डिटेलिंग की हुई है कुर्ती में। तो इस तरह की जो कुर्तीज़ होती है उनमें हम इंस्टेंटली एक स्टाइलिश एंड स्मार्ट लुक तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको एक यंगर लुक भी मिलता है बजाय कि इस तरह की जो राउंड नेक की कुर्तीज़ होती है। हाँ, ये बात अलग है कि कुर्ती की फ़िटिंग्स भी बहुत मायने रखती है। अगर आप अच्छी फिटिंग्स का कोई कुर्ती पहन रहे हो तो आप अच्छे दिखोगे एंड यंगर भी दिखोगे। अगर लूज़ कोई कुर्ती आपने पहनी है तो उसमें आप अच्छे तो नहीं दिखोगे और ज़्यादा एज के भी दिखोगे। पर इस तरह की जो क्लोज नेक की कुर्तीज़ होती है स्पेशली, उनमें हम ज़्यादा स्टाइलिश एंड यंगर लुक हमें मिलता है। नेक्स्ट टिप इज़, अगर आप सूट एंड दुपट्टा इस तरह से लेते हो तो इसको आप ना लेके आप कुर्ती ट्राई कर सकते हो अगर आपको यंगर लुक चाहिए। तो इस तरह की जो कुर्तीज़ होती है, जो ट्रेंडी डिज़ाइन में कुछ कुर्तीज़ अगर आप ट्राई करते हो तो एक ही तरह की सूट दुपट्टा ना पहन के आप इस तरह की कोई स्टाइलिश कुर्तीज़ भी पहन सकते हो। इसमें भी काफ़ी यंगर लुक हमें मिलता है। और इस तरह की जो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती पहनी है, काफ़ी क्यूट एंड स्मार्ट ये कुर्ती है। इस तरह की आप कोई फ्रॉक स्टाइल ड्रेस भी पहन सकते हो, इसमें भी काफ़ी यंगर लुक हमें मिलता है। नेक्स्ट टिप इज़, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मैंने जो दुपट्टा लिया है उसको मैंने गले में इस तरह से लिया है और राइट साइड में मैंने साइड में दुपट्टे को लिया है। तो अगर आपको चाहिए थोड़ा यंगर लुक तो आपको इस तरह से दुपट्टा बिल्कुल नहीं लेना है जो मैंने लेफ़्ट साइड में लिया है। काफ़ी टाइम बहुत सारे लेडीज़ ये मिस्टेक करती है, इससे आप ज़्यादा एज के दिखते हो और एक बहनजी वाला लुक आ जाता है। अगर आपको दुपट्टा लेना है तो आप इस तरह से साइड में ले सकते हो और आप देखोगे एक स्टाइलिश एंड एक सोफिस्टिकेटेड लुक हमें मिलता है इस तरह से साइड में लेने से। या फिर आप स्कर्फ़ भी ले सकते हो, स्कर्फ भी आप ले सकते हो, इसमें भी स्टाइलिश एंड यंगर लुक हमें मिलता है। और अगर आपको दुपट्टा इस तरह से साइड में लेना भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ले सकते हो गले में कुछ इस तरह से, ये भी काफ़ी हमें यंगर दिखाता है। पर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, इस तरह से दुपट्टा आपको कभी नहीं लेना है, इसमें आप ज़्यादा एज के दिखते हो। नेक्स्ट टिप इज़, अगर आप इस तरह की जो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो मैंने एक झोला काइंड ऑफ बड़ा एक बैग लिया है
एंड राइट साइड में मैंने एक स्लिंग बैग लिया है क्योंकि स्लिंग बैग अभी ट्रेंड में है और देखने में बहुत अच्छा भी दिखता है। तो आप देखोगे इंस्टेंटली आपको एक यंगर लुक मिल जाता है। उसी जगह पे अगर आप इस तरह की कोई झोला काइंड ऑफ बैग लेते हो तो उसमें आपकी एज ज़्यादा दिखती है। तो हमेशा ट्रेंड में रहने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होता है आप ज़्यादा यंगर एंड स्टाइलिश तो दिखते ही हो, तो इस बात पर भी आप ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट टिप इज़ अगर आपको यंगर दिखना है इंस्टेंटली तो आप ट्राई कर सकते हैं ब्लेज़र एंड डेनिम जैकेट। ये दो चीज़ है जिसमें हम इंस्टेंटली यंगर दिखते हैं। समर टाइम है तो समर फ्रेंडली कोई फैब्रिक से आप इस तरह के जो ब्लेज़र है वो पहन सकते हो और डेनिम जैकेट लाइट कोई फैब्रिक में ले सकते हैं, तो उसमें आप इंस्टेंटली यंगर एंड स्टाइलिश लुक हमें मिल जाता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको यंगर दिखना है तो डेनिम जैकेट एंड जो ब्लेज़र है वो परफेक्ट है, बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इस तरह की फुटवेयर्स आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, आपको जो राइट साइड में आप देख सकते हो इस तरह की फुटवेयर आपको चूज़ करना है। इसमें आप काफ़ी स्टाइलिश दिखोगे एंड बहुत अच्छे दिखोगे। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो राइट साइड में जो इस तरह की जो बेल्ट वाले जो फुटवेयर होते हैं वही आपको चूज़ करना है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड यंगर दिखते हो। और आप फ्लैट्स में इस तरह की फ्लैट्स ले सकते हो और जो लोफर्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड आप यंगर दिखते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी यंगर दिखाने में। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में नए हैं तो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।